एक फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने वहां के तालिबान के साथ चल रहे वॉर को, जंग को एक दिन के लिए रोक दिया था। वन थिंग व्हेन व्हिच ऑल द मुजाहिदीन ग्रुप एग्रीड वाज ऑन अमिताभ बच्चन। शी टोल्ड हर फादर, यू नो अमिताभ इज कमिंग एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन, वी The Mujahideen are bombing Kabul. Please tell them not to bomb today. आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है कि तुमने अगर कुछ पाकिस्तान को बोला तो मतलब तुमने इस्लाम को बोला। जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल आयरन लेडी ऑफिशियल में आप सबका स्वागत है। जिन्होंने मेरा चैनल अभी तक लाइक नहीं किया है, सब्सक्राइब भी नहीं किया और सबसे बड़ी बात है शेयर नहीं किया, वो फटाफट कीजिए क्योंकि ये हमारा अपना चैनल है। आपको पता होगा कि अफगानिस्तान और भारत के बीच बहुत घनिष्ठ मित्रता है, बहुत अच्छा रिलेशन हम मेंटेन करते हैं और जैसे कि हमारे बीच पठान भाई भी बहुत फेमस है जो अफगान के हैं। लेकिन इस चीज़ से पाकिस्तानियों को इतनी मिर्ची क्यों लगती है? तालिबान पाकिस्तान को एक आंख देखना पसंद नहीं करता है, लेकिन हिंदुस्तान को वो भाई बिरादर करता है। क्यों बता सकते हैं? आप सबको पता है क्योंकि अफगान को समय समय पर हमेशा से सपोर्ट किया है। वैसे वो खुदा गवाही बड़ा फेमस है मूवी अफगानिस्तान में शूट हुआ था, जबरदस्त गाने तो आज भी बजते हैं डीजे के साथ, तू मुझे कबूल मैं तुझे कबूल, यस। लेकिन दोस्तों आज जो वीडियो हम देखने वाले हैं, जिस पे हम देने वाले हैं रिएक्शन, आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि आखिर ऐसी क्या बात है कि पाकिस्तान को छोड़कर, एक मुस्लिम देश को छोड़कर, क्यों अफगानिस्तान तालिबान से हमारे रिलेशन अच्छे हैं। तो चलिए पहले वीडियो देखते हैं और फिर देंगे हम अपना ऑनेस्ट रिएक्शन, लेकिन कमेंट में मुंह तोड़ जवाब देना बहुत जरूरी है। आइए पहले वीडियो देखते हैं। आखिर क्यों कई तालिबानीज कहते हैं आई लव हिंदुस्तान और हिंदुस्तान और अफगानिस्तान इज भाई भाई। यहाँ पे हमारे साथ तालिब भाई हैं। आप इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं? आई लव हिंदुस्तान, अफगानिस्तान इज भाई भाई। आपने यूट्यूब पे ये वियर्ड सी चीज ऑब्जर्व की ही होगी, कई ऐसे इंडियन ट्रैवल व्लॉगर्स हैं जिन्होंने अफगानिस्तान जाके अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है और हर एक वीडियो में आपको एक चीज भर भर के दिखेगी, अफगानी लोगों का इंडियंस के लिए प्यार। हम इंडिया का बहुत बड़े फैन हैं। अफगानिस्तान और हिंदुस्तान का दुनिया में मिसाल दिया जाता है कि दोस्त है। दोस्त का मतलब होता है भाई जा, भाई भाई। साइकिल बाबा करके एक यूट्यूबर है, उनका तो कहना था कि हर 2 से 4 किलोमीटर में उन्हें कोई ना कोई अफगानी रोक के जबरदस्ती चाय पानी पिला देते। मैं 2-4 किलोमीटर में रुकता हूँ, कोई ना कोई चाय पिलाने के लिए धक्के से रुकता, रुक के चाय पी के फिर नवाजी में। तो आप मेहमान नवाजी में बहुत बहुत। एक किराने वाले ने तो उन्हें सारा सामान फ्री में ही दे दिया। क्यों पैसा क्यों नहीं ले रहा है तुम, ये बताए। आप हमारा मेहमान, अभी घोड़ा होता है ना वो दोस्ती करेगा घास से तो खाएगा क्या। आप हमारा मेहमान। सेम एक्सपीरियंस इंडिगो ट्रेकर का भी था। शुक्रिया ना, दिल से मोहब्बत, शुक्रिया। जिस दुकान पे हम गए थे, वो दुकान पे जो उबैद भाई थे ना, वो हमें बोले कि आपको रुकना पड़ेगा और ये जो कबाब है खाना पड़ेगा और साथ में जूस पानी लंच सारा कुछ हमने अरेंज करके रखा। लेकिन फिर यही अफगानिस्तान पाकिस्तान से कट्टर नफरत करता है। वहाँ के लोग तो इंडियन से कहते हैं कि पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, आप एक साइड से हमला करो दूसरी साइड से हम हमला करेंगे, पाकिस्तान तबाह हो जाएगा। आई मीन ये सुनने में वियर्ड नहीं है? अफगानिस्तान एक इस्लामिक मुल्क है जहाँ शरिया कानून लागू है। आज वहाँ पर तालिबान एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का राज है, जिसके बाद से कई देशों का मानना है कि अफगानिस्तान की हालत तो और बदतर हो गई है। लेकिन इस सब के बावजूद आखिर क्यों यही देश इंडिया से इतना प्यार करता है और पाकिस्तान से उतना ही नफरत करता है? पाकिस्तान और बांग्लादेश भी तो इंडिया के नेबर्स है ना, लेकिन पाकिस्तान और हमारे रिश्ते कैसे ये तो सब जानते हैं। और बांग्लादेश में तो अभी ही इंडिया आउट, बॉयकॉट इंडिया चालू है। सो वेल, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए हमें समय में काफी पीछे 3300 BCE में जाना होगा, जब पूरे विश्व की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन का जन्म हुआ, द इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन का अगर आप मैप देखोगे तो इसमें इंडिया और पाकिस्तान के पार्ट्स तो थे ही, लेकिन मॉडर्न डे अफगानिस्तान के भी शौतुगई और मुंडीगा, ये सारे इलाके IBC का ही एक हिस्सा थे। फिर इसके करीब 2000 साल बाद भी हमारी वैदिक कहानियों में भी अफगानिस्तान के इलाकों का जिक्र हुआ है। गांधारी जो कि कौरव की माँ और धृतराष्ट्र की पत्नी थी, वो गांधारा के राजा सुबाला की बेटी थी।
गंधारा शब्द का वर्णन तो ऋग्वेदा, उत्तर रामायण और महाभारता में भी किया गया है, जिसे लैंड ऑफ फ्रेग्रेंस माना जाता था और ये किंगडम मॉडर्न डे अफगानिस्तान के कंदाहर तक फैला हुआ था। इसके अलावा अफगानिस्तान हमेशा से ही अखंड भारत का ही तो एक हिस्सा था। उस जमीन पर सदियों से मौर्यन एम्पायर, कुशन एम्पायर, गुप्ता एम्पायर, सिख एम्पायर और हिंदू शाही डायनेस्टी जैसे कई हिंदू राजाओं ने राज किया था और इसके प्रूफ अफगानिस्तान में आज भी मौजूद है। वहाँ के बामियन शहर में आपको आज भी हजार बुद्धिस्ट केव्स मिल जाएंगे, जहाँ पर एक बड़ा बुद्धा का स्टैचू भी है जिसे बामिया बुद्धा कहते हैं। इन्हीं बुद्धिस्ट केव्स से शिवा की पेंटिंग्स भी मिली थी, लेकिन आज काफी सारे एविडेंसेस वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दी गई हैं। इसके अलावा अफगानिस्तान के कई शहरों के नाम भी संस्कृत शब्दों से लिए गए हैं, जैसे कि बल्क बना है संस्कृत शब्द बालिका से, नानगरहर संस्कृत शब्द नागराहरा से और काबुल कुभा नाम के एक संस्कृत शब्द से बना है। इनफैक्ट इनका तो पूरा लिस्ट ही है जिसमें आप देख सकते हो कि आज भी अफगानिस्तान के पश्तो लैंग्वेज में जो वर्ड्स यूज किए जाते हैं उसमें से कई सारे वर्ड्स संस्कृत वर्ड से ही डिराइव किए हुए हैं। सो कहने का मतलब है कि 11th सेंचुरी तक यानी कि हिंदू शाही डायनेस्टी के डिक्लाइन तक अफगानिस्तान मेजरली एक हिंदू सिविलाइजेशन ही था। बस इसीलिए क्योंकि हमारी शुरुआत एक थी, हमारा इतिहास एक था, अफगानी और इंडियन राजाओं में और उनकी जनता के बीच कॉमन ट्रेडिशंस, रिलीजन और कल्चर के वजह से काफी प्यार था। लेकिन फिर 12th सेंचुरी के बाद से अफगानिस्तान की किस्मत कहीं ना कहीं बदलने लग गई, क्योंकि वहां पे कई सारे इस्लामिक इन्वेशन होने लग गए। टर्की से टर्किश इन्वेशन, उज्बेकिस्तान से मंगोल इन्वेशन और पर्शिया से पर्शियन इन्वेशन, जिन्होंने आकर अफगानिस्तान के इलाकों पर कब्जा किया और वहां की जनता पर राज किया, उनका धर्म परिवर्तन किया। इसके बाद 16th सेंचुरी में बाबर ने अफगानिस्तान में कदम रखा, जिसके बाद पूरे हिंदुस्तान में भी मुगल राज फैलने लग गया जो 1700s तक चला। यानी इस दौर तक अफगानिस्तान रिलीजियस और कल्चरली इंडिया से काफी हद तक अलग हो चुका था। लेकिन फिर एक क्वेश्चन आता है कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान तो दोनों ही इस्लामिक देश है, तो उनके रिश्ते इतने खराब कैसे हो गए? वेल, क्योंकि 12th नवंबर 1893 में एक काफी इंटरेस्टिंग चीज हुई। सो इस दौर में सेकेंड एंग्लो अफगान वॉर जस्ट खत्म ही हुआ था और दोनों भी एंग्लो अफगानी वॉर्स में ब्रिटिशर्स को एक बात समझ अच्छे से आ चुकी थी कि अफगानिस्तान में जो भी किंगडम्स राज कर रहे हैं वो काफी स्ट्रांग है और हम उन पर ज्यादा देर तक अपना कब्जा बना के नहीं रख पाएंगे। इसलिए उन्होंने डिसाइड किया कि हम इनके साथ समझौता कर लेते और उन्होंने प्रेजेंट डे पाकिस्तान के नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस में एक लाइन खींच दी, द ड्यूरन लाइन, और उनसे कहा कि आज के बाद से हम इस लाइन के उस पार हमला नहीं करेंगे, वो आपका इलाका रहेगा। लेकिन इस लाइन से प्रॉब्लम ये हो गई कि ये वाला जो पूरा रीजन था, जो आज पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा रीजन है, यहाँ पर उस दौर से ही काफी अफगानी पश्तून रहते थे, आज भी रहते हैं। तो उन पश्तून को ऐसा लगने लग गया कि एक तो हमें हमारे ही देश से बाहर निकाल दिया, ऊपर से अब हम पर एक दूसरी कौम पंजाबी राज कर रहे हैं। इसीलिए पश्तून इस डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं थे और फिर 1947 के बाद तो आप जानते ही हो, आजादी के बाद भी पाकिस्तान ने ये रीजन अफगानिस्तान को वापस नहीं किया। इसीलिए बस उस दिन से आज तक अफगानिस्तान और पाकिस्तान एक दूसरे के खून के प्यासे हैं। पर मजे की बात यह है कि इसी लाइन के वजह से अफगानिस्तान के हमारे साथ रिलेशंस बहुत अच्छे हो गए, क्योंकि अब दोनों भी देशों का एक ही कॉमन एनिमी है, पाकिस्तान, जिसने इंडिया के कश्मीर पर कब्जा किया और उनके खैबर पख्तूनख्वा रीजन में। फिर ये भी सब जानते ही हैं कि आजादी के बस 2 महीने बाद ही पाकिस्तान ने हम पर हमला कर दिया था। इसीलिए जब 1947 में पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशंस में मेंबरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो जाहिर सी बात है हमने पाकिस्तान के इस मेंबरशिप को ग्लोबली अपोज किया। मगर सरप्राइजिंगली इसी दौरान अफगानिस्तान ने भी पाकिस्तान को इंडिया के ही तरह अपोज किया और 1950s में उन्होंने हमारे साथ एक फ्रेंडशिप ट्रीटी भी साइन कर ली। वो कहते हैं ना, दुश्मन का दुश्मन आपका दोस्त होता है, इसलिए दोनों भी देशों के रिलेशंस जन्म से ही काफी अच्छे थे। लेकिन इन्हें और ज्यादा गहरा बनाने का काम किया बॉलीवुड ने भी। यस, बॉलीवुड का तो भाई साहब आज तक वहाँ इतना क्रेज है, लेकिन उस दौर में तो ये क्रेज और ज्यादा था। अफगानी लोगों के घरों में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज के पोस्टर्स लगे होते थे, तालिबानी लोग तक अक्षय कुमार का टी शर्ट पहन के रस्तों पे घूमते थे, शाहरुख खान के बड़े बड़े होर्डिंग्स लगते थे, गलियों में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के पोस्टकार्ड्स बिकते थे। अरे वहाँ तो कुछ लोगों ने अपने घोड़ों का हेयर स्टाइल तक सलमान खान के तेरे नाम जैसा कर दिया था। इनफैक्ट अमिताभ बच्चन जब 1992 में काबुल गए थे, तब आप बिलीव नहीं करोगे, सिर्फ उनकी एक फिल्म खुदा गवाह की शूटिंग के लिए अफगानिस्तान गवर्नमेंट ने वहाँ के तालिबान के साथ चल रहे वॉर को, जंग को एक दिन के लिए रोक दिया था। One thing on which all the Mujahideen group agreed was on Amitabh Bachchan. Exactly. She told her father, you know, Amitabh is coming and what is going to happen? The Mujahideen are bombing Kabul. Please tell them not to bomb today. और इसी दौरान वहाँ की गवर्नमेंट ने अपनी पूरी आधी एयरफोर्स सिर्फ अमिताभ बच्चन की सिक्योरिटी के लिए डिप्लॉय कर दी थी। And the moment we landed there, they reversed their rifles
and they put a flower in the barrel just as a welcome gift. President Najib had organized a lot of security for us. You know, we used to walk with tanks and planes flying over us just to protect us. ये तो छोड़ो, कबीर खान की अफगानिस्तान में सिर्फ हिंदुस्तानी होने की वजह से उनकी जान बच गई थी। Yes, बजरंगी भाईजान और एकता टाइगर जैसी मूवीज के डायरेक्टर कबीर खान को एक बार अपनी एक डॉक्यूमेंट्री के शूट के लिए अफगानिस्तान जाना था। वहाँ तो वॉर चल रहा था और इस वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा था, लेकिन वो जैसे तैसे करके एक रशियन हेलीकॉप्टर के थ्रू अफगानिस्तान पहुँच गए। हेलीकॉप्टर ने उन्हें एक सुनसान जगह पर उतार भी दिया, लेकिन वहाँ पर उन्हें एक मुजाहिदीन ने देख लिया। उसने तुरंत अपनी गन लोड कर ली और वो उनके तरफ आने ही लगा कि डरते डरते कबीर खान बोले कि हम हिंदुस्तानी हैं। उसने देखा यार ये हेलीकॉप्टर आया, दो बंदे कूदे बैग जैक से साथ, हेलीकॉप्टर निकल गया ही। एंड यू वोंट बिलीव कि उनका रिस्पांस क्या था। सरप्राइजिंगली इंडिया का नाम सुनते ही वो मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू ये वाला गाना गाने लग गए। तो पास आने लगा, हमने बोला हिंदुस्तान हिंदुस्तान, और वो पास में आया और अचानक रुका एंड स्टार्टेड स्माइलिंग और वो गाना गाने लगा यार, मेरे सपनों की रानी कब आएगी। इन फैक्ट जब 2001 में तालिबान का रूल हटने के बाद अफगानिस्तान में सबसे पहली बॉलीवुड मूवी ये दिल आशिकाना रिलीज हुई थी, तब मूवी के डायरेक्टर कुकू कोली ने इंटरव्यू में कहा था कि अफगानी लोग उस फिल्म से इतने खुश हुए थे कि वो हजारों की तादाद में सड़कों पर उतर के नाच रहे थे। और 80s के दौर में तो अफगानिस्तान बॉलीवुड का थर्ड लार्जेस्ट मार्केट था, सो डेफिनेटली बॉलीवुड हैज अ बिग रोल टू प्ले इन द रिलेशंस बिटवीन अफगानिस्तान एंड इंडिया। एंड सेम चीज किया है क्रिकेट ने भी, अफगानिस्तान और इंडिया दोनों ही देशों के लोग क्रिकेट के टाई हार्ड फैंस हैं। पर जानते हो अफगानिस्तान के इस ड्रीम गेम को आज तक जिंदा किसने रखा है? इंडिया ने, और इसके लिए खुद तालिबान गवर्नमेंट ने तक इंडिया को बहुत बार प्रेस किया है। एक्चुअली 2021 में तालिबान ने जैसे ही अफगानिस्तान पर टेक ओवर कर लिया था तो वहाँ पे उनकी जो क्रिकेट टीम थी उनकी ट्रेनिंग और फंडिंग बंद हो गई थी, बट तब से लेकर आज तक इंडिया अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम को संभाल रहा है। हम उनको कॉर्पोरेट स्पॉन्सरशिप्स दिलाने में और प्लेयर्स की ट्रेनिंग में भी हेल्प करते हैं। इनफैक्ट इंडिया ने तो ग्रेटर नोएडा के शहीद विजय सिंह पाठक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स को अफगानिस्तान का टेम्पररी होम ग्राउंड तक डिक्लेयर कर दिया है। और इसके अलावा BCCI ने कांदाहर क्रिकेट स्टेडियम बनाने के लिए और अफगान क्रिकेट बोर्ड को दोनों को अलग अलग $1 million के ग्रांट्स दिए हैं। इसीलिए सिर्फ तालिबानी सरकार ही नहीं, वहाँ की आम जनता भी इंडिया की काफी शुक्रगुजार है। ये जो हिंदुस्तान क्रिकेट बोर्ड है ना, उससे हमारे टीम को बहुत सपोर्ट मिलता है और इसके हम बहुत शुक्रगुजार है। और इंशाल्लाह दोनों बाई बाई है। बिल्कुल बाई बाई। लेकिन अब अगर हम हिस्ट्री में लौटे तो 1947 यानी कि आजादी के बाद से ही अफगानिस्तान और इंडिया ये दोनों ही देश एक दूसरे को जियोपॉलिटिकली भी काफी ज्यादा सपोर्ट करते हुए आए हैं। इस हद तक कि एक बार तो अफगानिस्तान के लिए हम हमारे ऑल टाइम एलाई हमारे दोस्त रशिया से भी लड़ चुके थे। जब 1979 में सोवियत फोर्सेज ने अफगानिस्तान में इन्वेड कर लिया था, तब हमारी PM इंदिरा गांधी जी ने बायलैटरल लेवल पर रशिया से सीधे सीधे कह दिया था कि इंडिया सोवियत ट्रूप्स का अफगानिस्तान में इन्वेजन को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करता है। इसके बाद जब उन्होंने हमारी PM इंदिरा गांधी जी को इंडिया USSR फ्रेंडशिप ट्रीटी की 10th एनिवर्सरी के लिए वहां पर इनवाइट किया था, तब उन्होंने USSR जाने से भी मना कर दिया था। और अफगानिस्तान भी हमेशा आजादी के बाद से लेकर आज तक कश्मीर को इंडिया का एक इंटीग्रल पार्ट बोलता है और कहता है कि पाकिस्तान ने उसे इलीगली ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है। जियोपॉलिटिकल रिलेशंस का एक और एक एडवांटेज ये है कि इंडिया अफगानिस्तान को अलग अलग इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स और ह्यूमैनिटेरियन एड्स भी देता है। अभी पिछले कुछ सालों की बात करें तो इंडिया ने अफगानिस्तान में एक सबसे बड़ा डैम सलमा डैम बनाया है, $90 million खर्चा करके उनकी नई पार्लियामेंट बिल्डिंग बना के दी है, उनका हिस्टोरिक 100 साल पुराना स्टोर पैलेस भी रिस्टोर करके दिया है और एम्स जैसा ही एक बड़ा चाइल्ड केयर हॉस्पिटल इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट फॉर चाइल्ड हेल्थ भी इंडिया ने ही उनके बना के दिया है। बेसिकली इंडिया ने अफगानिस को कई सारे डैम्स, रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसमिशन लाइंस, सब स्टेशंस, स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स, उन हॉस्पिटल्स में एम्बुलेंस और कई सारे इमरजेंसी व्हीकल्स भी इंडिया ने ही अफगानिस्तान को गिफ्ट किया हुआ है। इन टोटल इंडियन गवर्नमेंट ने $3 billion का एड अफगानिस्तान को अब तक दे दिया है। इनफैक्ट जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कब्जा कर लिया था उस टाइम पे भी सारे देशों ने अफगानिस्तान को मदद देने से इनकार कर दिया था, इसीलिए वहां पर उस टाइम गेहूं यानी कि व्हीट की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गई थी और लोग ऑलमोस्ट भुखमरी से मर सकते थे। लेकिन उस समय भी इंडिया ने ट्रक भर भर के 50,000 मेट्रिक टन के गेहूं अफगानिस्तान को भेजे थे। इसीलिए इंडिया की इसी जेनरोसिटी की वजह से अफगानिस्तान में जब एक सर्वे कंडक्ट किया गया था तो उसके अनुसार करीब 70% वहां की जनता, अफगानी जनता, इंडिया को उनके देश का बेस्ट फ्रेंड मानती है।
तो आपको पता चला क्यों पाकिस्तानियों की इतनी जलती है अफगानिस्तान और इंडिया की दोस्ती से। आजकल ये नया ट्रेंड चल रहा है कि तुमने अगर कुछ पाकिस्तान को बोला तो मतलब तुमने इस्लाम को बोला। तो आप बताएं कि खुदा आसमान में रहता है या पाकिस्तान में, तो ये जरूर बताना। और रही बात तुम भाई बिरादर की बात करते, ये पाकिस्तानी कहते हैं कि मुसलमान मुसलमान भाई होता है, तो क्या अफगानिस्तान ऊपर आसमान से टपके हैं? तो जो ये तालिबान है, जो कि ये तालिबान है, भले ही ये सरिया कानून की बात करते हैं, अभी ये बहुत लिबरल भी हो गए हैं, लेकिन इन्होंने इंडिया को कहा थैंक यू, क्योंकि इंडिया सपोर्ट करता है इनके साथ, चाहे वो अनाज हो या क्रिकेट। क्रिकेट टीम में आप देख लो, आज भी क्रिकेट को स्पॉन्सरशिप से लेके सारा सपोर्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर रहा है, इसलिए इनके बहुत अच्छे रिलेशंस हैं। तो फिर भैया ये रिलेशन तो महाभारत के युग से चला आ रहा है, तो आप कैसे ख़त्म कर सकते हो? तो जलती इनकी इसलिए है कि भाई दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, ये बात सही है। तो जब पाकिस्तान चाइना को सपोर्ट करता है, जब पाकिस्तान US को सपोर्ट करता है, पाकिस्तान किसी को भी सपोर्ट करता है, तब कोई बात नहीं होती जी, कोई बात नहीं होती। लेकिन अगर इंडिया अफगान को सपोर्ट कर ले तो इनकी मच जाती है हाय तौबा, ऐसा क्यों, ये समझ में नहीं आता। अब बात करते हैं, ये पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर है, ये सो कॉल्ड इंडिया पे इतने गाने बजाने बजाते रहते हैं, डीजे करते रहते हैं एवरी टाइम, क्योंकि भाई पैसे कमाने हैं। इन लोगों ने औकात बदली, इन लोगों ने बाप बदला, चाइना US एवरीथिंग। अब ये खुद अफगानिस्तान पे बना रहे हैं वीडियो, पठान भाई की जो लास्ट वीडियो जरूर देखना, BBC न्यूज उठा के देख लो या आप किसी भी में उठा के देख लो, अभी 2020-23 कितने सारे अफगानिस्तान के लोगों को जो 40 साल से पाकिस्तान में रह रहे हैं, उन लोगों को खदेड़ खदेड़ के निकाला है। तब किसी ने न्यूज़ नहीं बनाई, तब किसी ने कवर नहीं किया, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन जब इंडिया को अपोज करने की बात आती है तो पाकिस्तान सो कॉल्ड बल्ले बल्ले करते हुए खड़े हो जाते हैं। ले दोस्तों, आज ये वीडियो से एक चीज़ समझ में आता है कि हमारा रिलेशन अफगानिस्तान से क्यों अच्छा है, ये आप खुद देख लो। चाहे ब्लॉगर हो, कुछ भी हो, मेहमान नवाजी तो करते ही करते, क्योंकि भाई हम खुद वसुदेवाय कुटुंबकम में बिलीव करते हैं, अतिथि देवो भव बिलीव करते हैं। तो जितने भी पाकिस्तानियों के पास अगर ये वीडियो पहुंचता है, तो एक सवाल आप लोगों से ये है कि भाई जब मुस्लिम मुस्लिम भाई बिरादर हैं, तो तुम लोगों को युगर मुस्लिम्स के लिए, अफगानी तालिबानी अदर मुस्लिमों के लिए बुरा नहीं लगता, लेकिन तुम्हें सिर्फ और सिर्फ बुरा इंडियन मुस्लिम्स के लिए लगता है, ऐसा क्यों? वैसे इंडियन मुस्लिम्स को तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं, कोई डिमांड नहीं है, नो वी डोंट वॉन्ट एनी पाकिस्तानीज, फिर क्यों? और रही सियासी हम लोग की बात, तो भाई अफगानिस्तान हो या तालिबान हो, सब पीछे रख के पड़े हैं पाकिस्तानियों के। तो पाकिस्तानियों सुधर जाओ, वरना चीनियों की चीनी चाटो, क्योंकि इससे ज़्यादा तुम कुछ कर नहीं सकते। वीडियो आप धड़ाधड़ शेयर करो और मैसेज दो पाकिस्तानियों को कि भाई तुम्हारे झूठे मूठे लिपा पोते पे हम नहीं आने वाले, जो सच्चाई है वो ज़रूर दिखाई देगी और तुम लोगों की आग जलसी पूरी दुनिया देखेगी। और एक दिन ये भी कोई बड़ी बात नहीं है कि पाकिस्तान को बायकॉट कर दिया जाएगा सारे देश से। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद जय भारत।